कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन का सिलसिला अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में ममता सरकार बैकफुट पर है और शायद इसी को लेकर प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो दोषियों को सजा देने के लिए कड़ा कानून बना रही है। इसे लेकर उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान भी किया था। ममता ने कहा था कि वो भी चाहती हैं कि पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। आज उन्होंने पश्चिम बंगाल की विधानसभा में महिला सुरक्षा को लेकर मौजूदा कानूनों में बदलाव के बाद अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पेश कर दिया। इसके जरिए दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा तक देने का प्रावधान किया है। बीजेपी ने भी विधानसभा में पेश हुए इस बिल को लेकर अपनी सहमति व्यक्त की है। अपराजिता महिला और बाल विधेयक की बड़ी बातें यही है कि महिला के साथ रेप के बाद अगर हत्या की गई तो दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। किसी महिला के साथ रेप हुआ तो दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी और अगर नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है तो दोषी को 20 साल की कैद और मौत की सजा भी दी जा सकती है। इन दोनों का प्रावधान इस अपराजिता बिल में किया गया है। अब इस विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के रेप कानून में पूरी तरह से बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि केंद्र सरकार का जो कानून है उसमें कुछ संशोधन के साथ इसे पेश किया गया है। पश्चिम बंगाल में नए कानून के जरिए 21 दिनों में न्याय तय होगा और अगर 21 दिनों में फैसला नहीं होता है तो SP यानी कि पुलिस अधीक्षक की इजाजत से 15 दिन और मिल जाएंगे जांच के लिए। यानी कि ये समझिए कि दोष सिद्ध होने के बाद 10 दिनों में दोषी को फांसी दे दी जाएगी, मामला लटकेगा नहीं। अब TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने मांग की है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तर्ज पर केंद्र सरकार भी दुष्कर्म पर कड़ा कानून बनाए और उसे अगले सत्र में पेश करे। बहरहाल ममता सरकार के विधेयक पर देश की जनता की राय क्या है ये मैं आपको बताऊंगा और इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयानबाजियां जो इस कानून को लेकर चल रही हैं वो हम देखें। भारतीय न्याय संहिता एवं पॉस्को आईने एसब क्षेत्र जो शास्तिर कथा बला आछे ता आमादेर आईने उल्लेखयोग्य भावे वृद्धि करा हुएछे। धर्षण और गणधर्षण क्षेत्र ভারতীয় ন্যায় সংহিতার যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে 10-12-20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ক্ষেত্র বিশেষে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড আমরা এটাকে করছি আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড থেকে গুরুতর থেকে ক্ষেত্রে এমনকি প্রাণদণ্ড এইটুকুই আমরা চেঞ্জ করেছি। और गैलरी शो कर रहे हैं, इसलिए ये जो लेजिस्लेशन उन्होंने लाए हैं ये लेजिस्लेशन पूरी तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि भारत का संविधान बता रहा है, बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान बता रहा है कि अगर किसी चीज़ पे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों लॉ लाते हैं यानी लेजिस्लेशन आते हैं बिल लाते हैं तो केंद्र का आईन या लॉ प्रिवेल करेगा। ऑलरेडी नए संहिता के ऊपर नए संहिता है जो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है और जिसमें डेथ सेंटेंस का भी प्रावधान है, तो ममता बनर्जी की ये जो उन्होंने लॉ लाए ये पूरी तरीके से ड्रामाबाजी है और इसको दिखाने के लिए हमारे विधायक लोगों ने समर्थन किया, लेकिन ये जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद एक आंसर बिल को एग्जीक्यूशन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बिल लाया उनको हम लोग तो सापट कर दिया। और मेरा अमेंडमेंट ले लीजिए, वो अमेंडमेंट में एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का जो हादसा हुआ आरजीकर में उसको प्रिवेंट करने का सुझाव है। एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कैसे कॉन्विक्शन होगा। तो चलिए मैं सर्वे के सवाल बताता हूं और फिर उसके बाद कौन मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं सर्वे पर उनसे मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे सर्वे का पहला सवाल है, ममता सरकार के एंटी रेप बिल में मौत की सजा का प्रावधान है, इस पर आपकी राय क्या है? 96% लोगों ने कहा कि रेप पर फांसी की सजा बिल्कुल सही है। 4% लोगों ने कहा कि फांसी नहीं होनी चाहिए और कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राय जाहिर नहीं की। यानी कि एक ज़बरदस्त मेजॉरिटी के साथ लोगों ने कहा कि इस बिल में जो फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है वो पूरी तरीके से सही है। मेरे साथ इस समय डॉक्टर शतरूपा जी हैं जो BJP की प्रवक्ता हैं, वो साथ में जुड़ गई हैं। प्रियंका राणा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं और जैद अनवर साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शतरूपा जी, मुझे लगता है कि जो बिल ममता बनर्जी की तरफ से उनकी सरकार की तरफ से पेश किया गया है
और जो मांग उसमें की गई है, आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है सख्त सज़ा इस तरह की होना, क्योंकि इस तरह के जो मानसिकता के लोग होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, इनके मन में जब तक डर नहीं बैठेगा कि इनको फांसी पर लटकाया जाएगा इस तरह की दरिंदगी करने पर, तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं, इसलिए ज़रूरी है इस तरह के प्रावधान। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार शत्रुघ्न जी, पहले तो ये मैं बोलूं कि चाहे पश्चिम बंगाल सरकार जब तक ममता बनर्जी है जितना भी सख्त आईन लाए, लेकिन अगर ममता बनर्जी का खुद मानसिकता चेंज नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला है। वो बड़े बड़े बातें कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर पूरा उसका जो अभी आईन जो वो डिस्कशन में है, मैंने आई नहीं है, एक्ट है, एक्ट भी नहीं है, बिल है, बिल है। हाँ, तो वो जो लेके आया है आई है उसको पहले तो भारतीय न्याय संहिता ने जो जो लिखा है उसी को मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन उनको एक अलग सा एंगल देना है। आप अगर देखिएगा हर एक पनिशमेंट को भारतीय न्याय संहिता मिनिमम से मैक्सिमम का प्रोविजन है। ममता बनर्जी जो लाई है अभी उस डायरेक्टली मैक्सिमम प्रोविजन चाहते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है, तीन चीज कहना है। एक नंबर, जब तक माननीय राज्यपाल साइन नहीं करता है तब तक ये आईन नहीं होता, तो वो जितना भी चिल्लाए चमकाए बहुत बड़े बड़े बातें करे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है जो हमारा विरोधी विपक्ष का विरोधी दल मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन जो कहा है और असेंबली में भी कहा है, विधानसभा में कहा है कि जब तक आप रहोगे, जब तक ममता बनर्जी और उनका इनसेंसिटिविटी रहेगा, जितने भी आईन आए कोई भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो खुद आप अगर इसी रेप का जो आर्टिकल में जो हुआ है संदीप घोष को आज तक तो उन्होंने बाहर रखा। आप क्या ममता बनर्जी को महिला विरोधी कह रही हैं? एकदम एकदम। और आज से नहीं, पहले दिन से जब से वो सरकार चला रही है तब से। आप सोचिए पाक स्ट्रीट का रेप कांड, आपको पता है बहुत सारे रेप बीच में हुआ है। आप कामधुनी को आप अगर ले ले, अगर आप हाशमली को ले ले, हर एक जगह में वो महिला को कोई एक साजानो घटना बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, कोई कोई बोलता है कि मैंने वही खुद बोलती है कि देखो वो प्रेग्नेंट थी कि नहीं, 14 साल का लड़की का फैट था कि नहीं, ऐसा ऐसा बेहुदा बातें करते रहते हैं। तो उनके मुंह से ये भारतीय न्याय संहिता में जो एकदम लिख के सुंदर सा आईन आई है, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये बीजेपी सरकार लाई है इसलिए नहीं, पूरा का पूरा एकदम एक कॉम्पोजिट आईन आया है भारतीय न्याय संघ। जब आया था, जब डिस्कशन में था, तब पश्चिम बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखा गया कि आप अपना ओपिनियन दीजिए, हर एक स्टेट को लिखा गया, तब उन्होंने नहीं किया। तब जब पास होने वाला था तब उन्होंने चिट्ठी लिखा कि ये डार्क एजेस में पास कर रहे हैं आईन, ये आईन ममता बनर्जी नहीं मानता। ममता बनर्जी आईन माने या ना माने, आईन पार्लियामेंट के द्वारा राज्यसभा होके एकदम राष्ट्रपति तक साइन होके आईन बन गया है। अभी वो एडिशन करे, मॉडिफिकेशन करे, थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये स्टेट का कॉन्करेंट लिस्ट पे भी नहीं लाया, वो स्टेट लिस्ट में लाया है। स्टेट लिस्ट में अगर आप जजमेंट लाएंगे या पेनल्टी लाएंगे जो भी है उसको हाईकोर्ट तक मतलब वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट तक हो सकता है अपील। तो आप सोचिए अगर कोई क्राइम करेगा, कोई रेप करेगा, हाईकोर्ट उसको जजमेंट देगा ये ममता बनर्जी का ये फिजूल आईन लेके, तो फिर वो तो तुरंत चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट तो ऑल इंडिया आईन मानेंगे। तो वैसे भी आईन नहीं है, मैंने वेस्ट बंगाल का जो वो निकाल के लाया है अभी तक लाई ही नहीं है, अभी चेष्टा कर रही है, तो फिजूल का बात है, वो ना कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। एंड हर एटीट्यूड चेंजेस पश्चिम बंगाल बदलेगा नहीं। ठीक है, प्रियंका राणा जी के पास चल रहा हूँ। प्रियंका जी, जिस तरह से निर्ममता होती है, जो बलात्कारी जिस मानसिकता के साथ इस अपराध को अंजाम देते हैं, फांसी होनी चाहिए उसकी सज़ा में, और आपको लग रहा है कि जो अभी ममता बनर्जी कर रही हैं क्या वो राजनीति का एक हिस्सा है? प्रियंका जी,
प्रियंका जी का शायद मुझे लग रहा है फ्रेम नहीं मिल रहा है। जैद साहब आपसे यही सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ, अगर आपने सुना है तो। देखिए बहुत देर कर दिया मेहरबा आते आते। ममता बनर्जी के पूरे जिंदगी पे अगर बायोग्राफी बनाया जाएगा, लिखा जाएगा, तो ममता बनर्जी साहब साहिबा का ये सबसे कमजोर पॉलिटिकल मूव रहा है शुरुआती दौर से। पता नहीं एडिटर क्यों नहीं लिख रहे हैं या कोई कुछ चैनल है जो बात नहीं कर रहे हैं, मगर ये सबसे कमजोर पॉलिटिकल मूव इनका रहा है पूरे तारीख में इनके जिंदगी के। अब आते हैं बात को लेके, देखिए 2012 में शीला दीक्षित गैंग रेप हुआ था दिल्ली में, तो स्नोबॉल किसके तरफ थ्रू किया जाएगा, क्या लेगेसी उनका खत्म किया जाएगा, इस तरह का एक माहौल बन चुका था पॉलिटिकल वे से। तो ममता बनर्जी एक कदम आगे जरूर गई है मगर दो कदम पीछे हटी है। आपने देखा होगा इस बिल में इन्होंने एक एक्ट ऐसा रखा है कि मीडिया खास करके फ्रीडम ऑफ स्पीच जो इस मुल्क की खूबसूरती है, जब हम स्कूल में होते थे या प्रोफेसर हमें सिखाते थे कि किसी मुल्क को खत्म करना, उसका नॉर्म्स उसकी खूबसूरती छीन लो मुल्क खत्म हो जाता है, उस पर लड़ाई नहीं की जाती है। तो आज वही है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मीडिया का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके लिए मीडिया को परमिशन लेना होगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, तब उसके बाद वो कोई बयान देगा मीडिया। पता है ये बात क्यों रखी गई है, इस बात पे भी इस बात पे गौर है कि आप देखेंगे ममता बनर्जी साहिबा को जब हाई कोर्ट से फटकार लगा दो दफा, उसके बाद वो सीबीआई को उठा के जब दिया गया केस, उसके बाद ममता बनर्जी साहिबा ने ये कानून क्यों बनाया, कानून जरूर बनाया मगर कानून में जो मीडिया का फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो कुछ खत्म की, आज अवाम क्यों नहीं बात करे। तो एक कदम आगे जाके दो कदम पीछे हटने की बात है। अब आते हैं ये जो बिल लाया गया है इस पे आज पूरे औरतों के खास करके जो औरतें ममता बनर्जी साहिबा से जो रुझू थी या उनके तरफ एडमायर करती थी एक औरत के नाम पे, जिस तरह का उनका आंदोलन रहा पूरी जिंदगी में, तो बहुत सी औरतें उनको एडमायर करती थी, तमाम औरतें उनके हम उम्र उनसे बुजुर्ग उनसे छोटे तमाम उनको बहुत पसंद करती थी, मगर इस केस के बाद लोगों के कहीं ना कहीं दिल में एक खट्टापन आया है, कहीं ना कहीं दिल में एक सहम गए लोग और लोग बात करने खास करके औरतें, मगर वो चीज इतना खींचा है कि अब व्यापारी जो है वो तमाम के तमाम व्यापारी तक ये बात चला गया, कहे रोजी रोटी का मामला हो गया। आप पूरे कलकत्ते में कहीं भी चले जाए रोड बंद है, पूरे कलकत्ते में कहीं भी चला जाए रोड बंद है, गाड़ी बंद है, आप कहीं भी चले जाए पूरा रोड में आंदोलन हो रहा है। ये तमाम चीज कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में हर एक व्यापारी जो ट्रेवल एक्सपेंसेस जो उनका एक्सपेंसेस है जो तमाम चीज है इस पे आके पब्लिक के अवाम के उस जगह पर जाकर धक्का मार रहा है कि ममता बनर्जी को कुछ डिसीजन लेना था, जो ममता बनर्जी ने तमाम हथकंडा अपना इस्तेमाल कर चुकी थी। जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगा तो एक कपिल कलू तो उन्होंने क्या किया है कि उस दौरान उन्होंने खामोशी इख्तियार किया दो दिन के लिए कोई स्टेटमेंट उनका नहीं आया था। मैं जो बात है वो सच बता देना चाहता, दो दिन उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया था, मगर जैसे ही उन्होंने उसके बाद उन्होंने लेटर लिखा उन्हें महसूस हुआ, उन्होंने लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब, उसके बाद जो ये बिल लाए हैं बिल में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट से अगर बंदा निकल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मैडम ने बात की है अभी बिल्कुल दुरुस्त बात की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो कौन सा लॉ फॉलो किया जाएगा, ये सवालिया निशान है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। मगर इस सवाल पे मैं आने वाला था आगे, वैसे ये पूछने भी वाला था मैं आपसे, क्योंकि जो हमारी समाज है वो यही कहती है कि फांसी को लेकर जो कानून है वो देश की संसद में बनते हैं, तो राज्य विधानसभा का ये कानून कितना फीजिबल रहेगा, मेरा सवाल था। खैर मैं आगे आपसे इस पर जवाब मैं लूँगा, लेकिन सर्वे के दो सवाल मैं पहले बताऊँगा, उनके रिजल्ट बताऊँगा, फिर मैं आप लोगों के पास आऊँगा। सर्वे का अगला सवाल मेरा था कि 21 दिन में जाँच पूरी, 10 दिन में दोषी को फांसी, ऐसा एंटी रेप कानून क्या पूरे देश में लागू होना चाहिए? 93% लोगों ने कहा हाँ, 5% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। इसके अलावा जो तीसरा सवाल था हमारा वो था कि रेप जैसे संगीन अपराधों की सुनवाई सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? 95% लोगों ने कहा कि हाँ, इस तरह के संगीन अपराधों की सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए और सिर्फ इस तरह के जो केसेज हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही जाने चाहिए। 2% लोगों ने कहा नहीं और 3% लोगों ने इस पर अपना कोई भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर शत्रुपा, आप BNS की बात कर रही थी, BNS में भी बहुत सख्त प्रावधान हैं और आपका ये कहना है कि BNS को ही संशोधित करने के बाद, यानी कि भारतीय न्याय संहिता का जो आपने कानून नया बनाया है उसको संशोधित करने के बाद ममता बनर्जी अपना ये नया बिल जो है अपराजिता बिल वो लेकर आई है, तो आपको लगता है कि जो सख्ती होनी चाहिए इस तरह के अपराधों में
इसको एडॉप्ट करना चाहिए, उसमें सेंट्रल लेवल पर संशोधन की जरूरत है। जब तक फांसी का डर नहीं होगा ऐसे लोग रुकेंगे नहीं। रोहित जी बिल्कुल, फांसी का डर एक बहुत क्या बोलेंगे, बहुत टॉर्चर करके, मैंने जैसे जैसे बलात्कार के टाइम टॉर्चर होता है उसी इक्विवेलेंट टॉर्चर जो जो ये करता है, जो ये घिनौना हरकत करता है उसी को ऐसा ही होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता क्योंकि बहुत बैलेंस्ड है, बहुत रिसर्च करके बनाया गया है, इट इज़ अ रिविजन ऑफ इंडियन पिनल कोड, तो ये बहुत ही सोच समझ के बनाया है। तो लेकिन मैं दूसरी एक एंगल में आपका डिस्कशन मुझे थोड़ा ले जाना है कि देखिए यहाँ पे एक एक्शन का मैंने इंक्वायरी, फास्ट ट्रैक इंक्वायरी भी मांगे हैं अपराजिता का आईन है। ये बहुत ही आयरोनिकल है रोहित जी, क्योंकि देखिए आम 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 तरीके में आम मैंने सिचुएशन में रेप्स ऐसे जगह होता है, सोचिए कोई फील्ड में हो गया कि कोई रास्ते में हो गया, जैसे निर्भया कांड में चार बस में हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हु इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी इन अ फ्लोर, मैंने दो चार घंटे का बात है, वहाँ पे अगर इंक्वायरी ना हो और इंक्वायरी का खुलासा ना हो तो फिर क्या, किसके लिए हम वेट कर रहे हैं कि वो रेपिस्ट और मर्डरर आके खुद का आधार और पासपोर्ट देके जाएगा, फिर ममता बनर्जी का ये 21 डेज में एक्शन होगा। ये एकदम आयरोनिकल है, ये तो सीबीआई को तो लाना ही नहीं चाहिए था तुरंत। जैसा सीन था एक बिल्डिंग के अंदर ऑन ड्यूटी जो लोग हैं उन लोगों को इंक्वायरी नहीं हुआ, पुलिस अगर कर सकते थे तो सीबीआई को बुलाने का जरूरत नहीं था, ये तो किया नहीं। ये इसीलिए मैंने पहले सेंटेंस आपको कहा रोहित जी, जितना भी आईन आए अगर शासक का मानसिकता चेंज नहीं होगा ये कभी कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे केंद्रीय शासक जो है बहुत अनुभवी है, मुझे मालूम है हम परफेक्ट नहीं है, कोई सरकार परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हमारा इच्छा है करने का, हमारा इच्छा है, हमारा हम अनुभवी है, हम फास्ट ट्रैक देश भर में लगाया। ठीक है, मैं प्रियंका जी के पास चल रहा हूँ, पहले उनका फ्रेम थोड़ा सा गड़बड़ था लेकिन अब फ्रेम आ गया है, साथ में हमारे जुड़ गई है प्रियंका जी, मैं उनके पास चल रहा हूँ। प्रियंका जी, जरूरी ये है कि इस तरह के अपराध रुकें, ये हमारा मूल मकसद है, सबका मूल मकसद है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोका जाना चाहिए। एक अपराधी के मन में, बलात्कारी के मन में डर बैठे उसके लिए क्या जरूरी है? पहले तो सबसे पहले तो हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश के अंदर हर 20 मिनट में एक बलात्कार, और ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो हमें कागजी तौर पर मिलते हैं, जो रजिस्टर होते हैं। उसके अलावा अगर आप पूरे देश के अंदर देखेंगे तो 13.25 लाख जो महिलाएं हैं वो गायब हैं, उनके साथ क्या हुआ, बलात्कार हुआ, उनका मर्डर हुआ, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ ये हमें पता ही नहीं है। वो गायब है, वो किस स्टेट की है, क्या है, वो सब सरकार भी जानती है, और कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर आज महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो रहा हो, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो रही हो, बलात्कार ना हो रहे हो। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता है, अभी मैं प्रवक्ताओं को भी सुन रही थी, सिर्फ राजनीति करके वो तेरा राज्य ये मेरा राज्य, मुझे लगता है हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे अनगिनत ऐसे केसेस हैं जो दूसरे राज्यों में गिना सकती हूँ, पर हमें इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात करनी है। काफी चीजें ओपोजिशन का काम होता है, मैं बिल्कुल मानती हूँ ओपोजिशन का काम है कोई भी बिल आता है उसके अंदर कमियां बताए और देश की जनता को भी जागरूक करे, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ अच्छे प्रावधान है तो आपको नहीं लगता है कि क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सिर्फ ये कह देना कि नहीं हमने तो जो भारतीय न्याय संहिता बताई थी वो बिल्कुल परफेक्ट है? परफेक्ट कुछ नहीं होता है, समय के। ठीक है, फ्रेम मुझे लग रहा फिर से एक बार फ्रीज हो गया है प्रियंका जी का। मैं अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूं और इसका रिजल्ट आपको बताता हूं। हमारा सवाल था आखिरी कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? 20% लोगों ने कहा कि शिक्षा का अभाव, यानी कि अशिक्षा जो है इसके पीछे एक बड़ा कारक, एक बड़ा फैक्टर। 23% लोगों ने कहा कि टीवी और सोशल मीडिया इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है। 51% लोगों ने कहा कि पुलिस एक्शन में लापरवाही होती है, देरी होती है, इसके चलते
ऐसे अपराधियों के हौसले बढ़ जाते हैं और महिलाओं के खिलाफ फिर वो इस तरह के अपराध करते हैं। 6% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। जैद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, कानून बनाना, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि अपराधी के मन में एक डर भी हो, इस तरह की हरकत करने से पहले डर भी हो, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें 51% लोग कह रहे हैं कि पुलिस एक्शन में लापरवाही होती है। कई बार तो इस तरह के केसेस भी आए हैं कि जो पीड़िता है थाने पहुँचती है, उसको थाने से भगा दिया जाता है। एक नहीं, ऐसी लंबी लिस्ट है। देखिए, मैं इस एक सिक्के के बहुत से पहलू हो सकते हैं। मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च बता रहा हूँ कि इसका 21 पहलू हो सकता है, मगर उसमें से 4 पहलू की बात अभी आपने की है। उस 4 पहलू में जो आपने बात रखी, पुलिस वो बेचारा क्या कर सकता है बताइए ना। अभी मैं पुलिस पे जाके तमाम चीज तो नहीं तोड़ सकता। समाज हमारे हाथ में है, कहीं ना कहीं जितना एक पिलर अगर मीडिया है, एक पिलर समाज है और एक पिलर वो भी पुलिस भी है, तो एक पिलर कहीं ना कहीं हमारा नुमाइंदा है जो हमें रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। अभी मोहतरमा ने कहा कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मगर कानून पार्लियामेंट में बनता है। बहस हम जितनी भी कर ले, पार्लियामेंट ही में कानून बनता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीन में, कहीं ना कहीं हमारे नस नस में ये चीज हमारे जमहूरियत से ये हमें मिलती है। अब आते हैं मुद्दे की बात। पुलिस 21% लोग, जो आपके जितने भी रिसर्च आपने किया है, जितना बताया आपने मुझसे, मैं कहीं ना कहीं ये सवाल था मेरे दिमाग में कि जो 95% लोग या 92% लोग जितने भी काफ की बात फेवर की बात की है, रेप के अगेंस्ट की बात की, वो तमाम के तमाम मेल कितने थे। तो समाज कहीं ना कहीं बदल रहा है। आज दुनिया में मंजर आम पे आप तमाम चीज देख लेते हैं, क्योंकि आप जैसे मीडिया है जो बात सच ला देते हैं सामने, सोशल मीडिया है जो चीज सामने आ जाती है। मगर एक जमाना ऐसा था हमारे बचपने में या हमारे मेरे वालिद के दौरान पे, कि उस दौरान बात आ नहीं पाती थी, दूसरे दिन सुबह न्यूज़पेपर के थ्रू हम जानते थे। मगर आज फिंगर टिप्स पे 3 से 4 सेकंड में हम जान सकते हैं यहाँ क्या माहौल बना, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। तो दुनिया बदल रही है। टेक्नोलॉजी का 2 पहलू है, अच्छा भी है, खराब भी है। अब आते हैं पुलिस का मामला। पुलिस कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है। या तो पुलिस को आप टोटल फ्री कर दें, ठीक, एक और किताब, कुल मिला के बात यह कि राजनीति को साइड में रखना है, क्योंकि जो महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है, महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा जो मुद्दा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे संवेदनशील है। जो भी सोचें, जो भी करें, राजनीति को साइड में रखें। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।